यूपी पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो शातिर गैंगस्टर है जो करीब 2 साल पहले पुलिस को चकमा देकर सऊदी अरब भाग गया था, लेकिन जब भारत लौटने लगा तो पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ इसे धर दबोचा। जी हाँ, बिजनौर पुलिस को चकमा देकर सऊदी भागे बदमाश को दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के मंडावर थाना इलाके का है। सईद अहमद पर साल 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस हुआ था। आरोपी सईद जिला ही नहीं बल्कि देश छोड़कर विदेश भाग गया था। पुलिस को तभी से गैंगस्टर बदमाश सईद की तलाश थी। सईद के भारत आने की भनक जिले के आईपीएस अफसर को लग गई। थाना मंडावर में गैंगस्टर एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें सईद अहमद वांटेड चल रहा था लगभग 2.25 वर्ष से। यह सऊदी अरब में रह रहा था, उसी दौरान इसका आना जाना जनपद में लगातार बना रहा। इसको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी। इस पर 25,000 रुपए का मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, ड्यूटीरत अधिकारियों से लाइजनिंग थी, लुकआउट पहले जारी किया गया था। आते ही पुलिस ने इसको अपने हिरासत में लिया, विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इसके कुछ साथी पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने गैंगस्टर सईद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और पुलिस के बुने जाल में गैंगस्टर 25,000 का इनामी बदमाश फंस गया। आरोपी को अंदाजा तक नहीं था कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि आरोपी चुपचाप सऊदी अरब में रह रहा था और बीच बीच में कुछ वक्त के लिए भारत आया करता था, लेकिन इस बार ऐसा करना इसके लिए मुसीबत बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज़।